विट्ठल आर रिलेशन मी विट्ठल? हाँ सर, यस सर, ठीक है यस सर। ऑडियो ऑफ कर लो। ऑडियो वीडियो ऑफ कर लो। नेट की दिक्कत, इसी बस नेट की दिक्कत हो रही है क्या तुम्हें? वीडियो ऑफ कर लो, फेस आ रहा तुम्हारा। अभिलाष पाठक, अभिलाष मेरी वो माइक खराब है सर, मैं बोलता हूँ तो आवाज नहीं जाती है सर, और फिर ईयरफोन निकाल देने के बाद सर अब मैं सुन नहीं पाता सर। भवेश सेन, भवेश यस सर, जरा शक्ल दिखाओ तो, फेस दिखाओ अपना फेस। अच्छा ठीक है, ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। आप देख लिया, याद आ गया। दिव्यांग जानकीट, दिव्यांग, दिव्यांग, दिव्यांग आर यस रिलेशन सर, मी। हाँ वीडियो ऑन करो, यस सर, वीडियो ऑन करो। लाइन वाइन तो नहीं खींचते हो तुम? नहीं सर, नहीं तो फिर लाइन में भी खींचता हूँ बेटा, ठीक है ना? इससे जो लाइन वाइन खींचने की हरकत है तुम लोगों की, वो बहुत बेकार है। अपनी आदत को सुधारो आप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टीचर नहीं आएंगे आपको पढ़ाने के लिए? एमएलवीटी के आसपास के टीचर रहेंगे? आप भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने लायक नहीं हो। ठीक है, शक्ल तो देखनी आज जरूरी है, क्योंकि हार्दिक मीना, माया, सुप्रज्ञेशाचार्य, प्रिंस राघव, राघव आर लिसन मी, राघव। अच्छा यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है, देख पहचान रहा हूँ तेरे को। राहुल जोशी, राहुल जोशी, हाँ सर, आ रही है आवाज, आ रही है। अरे हाँ तो वीडियो दिखाओ अपनी, वीडियो दिखा। अरे राहुल जोशी, वीडियो दिखाओ, वीडियो। हाँ सर, बैठा हूँ, ये रहा सर। तेरे को तो मैं देखा नहीं है यार, ये हाँ सर, तो देखा ही नहीं मैंने अब तक, फेस भी याद नहीं आ सर रहा, आता पर था सर। यस सर, फेस भी नहीं याद आ रहा है मुझे। क्या सर नाम मैं है तुम्हारा? क्लास में राहुल कम आता था ना, मैं 4 सेम में। जोशी। यार तुम क्लास में आते थे कि नहीं आते थे लास्ट सेमेस्टर में? सर 3rd सेम में भी कम आया था, 4th सेम में भी कम आया था। तो कमा रहे हो क्लास, मन नहीं था क्या बेटे करने का? है ना सर, है तो फिर रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी ना। चलो ठीक है, ऑफ कर लो। सर शुभम, विनोद कुलारिया, हर्षवर्धन सिंह, मंगल राज। देखो मैंने प्रेजेंटेशन की डेट बनाई है आपकी, लिस्ट आप शो कर दिया है, मैंने लिस्ट शो कर दिया। उस लिस्ट में क्या है कि तीन टॉपिक दिए हुए हैं, एक है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, दूसरा है लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन, और तीसरा है एक्सरे इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है ना, या रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन मेथड। तो तीन टॉपिक मैंने आपको दिया है, तीनों डिस्कस कर लिया है क्लास में, मैं वीडियोज भी आज अपलोड कर दूंगा। ये तीनों को तैयार करना है आपको, और जिसका जो शेड्यूल बना हुआ है कि इस दिन उसका प्रेजेंटेशन है,
तीनों टॉपिक में से सडन में बताऊंगा इस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो तीनों टॉपिक को आपको तैयार करना होगा। दिव्यांग, दिव्यांग यस सर, सुनाई दे रहा है ना सर? तीनों टॉपिक को तैयार करना होगा सर, तीनों तैयार सबको करना है, कॉमन टॉपिक है सबके लिए। सडन में एक टॉपिक बोलूंगा, जैसे मैंने बोला कि रेडियोग्राफिक पे आप प्रेजेंटेशन दीजिए, मैंने जो पीपीटी शेयर की है आपके साथ गूगल क्लासरूम में वही पीपीटी, उसमें करेक्शन कर लेना, थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना, उसी को प्रेजेंट करना है, अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। और सडन में बोलूंगा कि लिक्विड पेनिट्रेशन पे कर, आपको बिल्कुल नहीं पता रहेगा तीनों में से कौन सा मैं सिलेक्ट करूंगा, तीनों आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उस पर 10 मार्क्स का है, 10 नंबर के हैं प्रेजेंटेशन पूरे के पूरे, एक प्रेजेंटेशन ये होगा 10 नंबर का, फिर एक दूसरा प्रेजेंटेशन 10 नंबर का और होगा, ठीक है ना? उसके बाद बचे हुए जो मार्क्स हैं उसके मिडटर्म होंगे, तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और प्रेजेंटेशन 3 बजे स्टार्ट होगा शाम को, 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा, 2 घंटे का प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना? एक बंदे के लिए अगर आधा घंटा भी देता हूँ तो 4 बंदे तो हमारे 2 घंटे में निपट जाएंगे, वैसे आधे घंटे से कम ही रहता है, 25-30 मिनट का ही रहता है, 25 मिनट 20 मिनट। प्रेजेंटेशन आप 20 मिनट का तैयार करना है, प्रेजेंटेशन जरूरी है, अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। और तैयार करके आना, कुछ भी डाउट होता है आप क्या करोगे, मुझे पर्सनली मैसेज करोगे कि सर ये डाउट था इस वाले में बताइए मुझे। पढ़ते पढ़ते गए, सपोज करो तुमने बोला सर इस वीडियो लेक्चर में ये मुझे समझ में नहीं आया, या तो आप खुद से पढ़ रहे हो नहीं समझ में आया तो आप पूछोगे मेरे से मैसेज करके कि सर इसमें ये दिक्कत थी आप बताइए, तो मुझे जब टाइम मिलेगा मैं कॉल कर लूंगा आपको, तो आपको पूछना होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से देते हो तो आपका 3 टॉपिक ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, मिडटर्म भी इन्हीं 3 टॉपिक से होगा, तो दोनों काम हो जाएगा, पहला मिडटर्म भी हो जाएगा, दूसरा प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी हो जाएंगे और साथ साथ में आरटीयू की भी तैयारी हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन की जिसकी जो डेट है वही रहेगी, कोई डेट चेंज नहीं होगा। दूसरी बात है 3 से 5 बजे के बीच में होगा शाम को, तो इस तरह से प्रेजेंटेशन आप तैयार करना। टाइम बता दिया, उसमें टाइम मेंशन नहीं किया, 10 नंबर का है। चलो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते। हाँ, और मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था, उसमें सजेशन भी लिखना है। सजेशन आप लोग नहीं लिखते हो सजेशन में कि टीचर वो चीजें आपको, जैसे मान लो लेक्चर लिया जा रहा है, ठीक है, अपन को तो लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, मे भी आपको समझ में नहीं आता होगा बहुत सारी चीजें, तो आप उसमें लिखोगे सर इसको ऐसे बताना बताइए, इस तरह से बताइए, वीडियो दिखाइए, या तो थोड़ा और अच्छी तरह से एलोबरेट करिए, या तो स्लो बताइए, या तो सर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या आपने बताया तो मुझे समझ में नहीं आया, या आपने हो सकता है ऐसे बता दिया हो कि आप सही से बता ना पाए हो, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करना चाहिए था डिस्क्रिप्शन में। सजेशन एक टॉप सजेशन का एक क्वेश्चन था, सजेशन एनी सजेशंस, तो आपको उसमें जाकर कुछ ना कुछ लिखना था। जब तक सजेशन नहीं दोगे तब तक देखो, एक्चुअली क्या है कि सजेशन देने से ही पता चलेगा कि हाँ, कि टीचर को मैं बता पाऊंगा, कोई भी टीचर है, क्लास टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसे बता पाऊंगा कि हाँ सर ऐसे बताइए आप, उसको बच्चे कह रहे थे इस तरह की दिक्कत है। आप सजेशन नहीं देते हो, सजेशन भी देना जरूरी है, क्योंकि सजेशन क्या है कि सजेशन से टीचर क्या करेगा, आपको मॉडिफाई करेगा, अपने को मॉडिफाई करने के बाद आपको भी मॉडिफाई करेगा, आपके अकॉर्डिंग क्या करेगा, लेक्चर तैयार करेगा, उस चीज को आपके अकॉर्डिंग बताएगा। हाँ, बहुत सारी चीजें होती बताते नहीं समझ में आता आपको भी, तो और दूसरी चीज ये है कि आप जब भी क्लास अटेंड करते हो तो क्लास में अगर दिक्कत है तो आप मोबाइल की दिक्कत है, मान लो किसी को, बहुत सारे लोगों मोबाइल की दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम है मोबाइल में, उनकी अटेंडेंस शॉर्ट है, तो मोबाइल की दिक्कत जो उसे सॉल्व करो आप, बिना मोबाइल के काम नहीं चलने वाला है, किसी का नहीं चलता है काम बिना मोबाइल के, तो मोबाइल कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सस्ता फोन ही खरीदो, बट एंड्रॉइड फोन खरीदो आप, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग रहे कॉलेज के साथ, तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे, साथ साथ में कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगी तो आप अपनी चीजों बताओगे तभी आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। मान लो ठीक है आप 2 दिन क्लास नहीं कर पाए, बट मुझे लगा कि हाँ बता दिया पहले कि हाँ सर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो अटेंडेंस मान लो कहीं दिक्कत हो रही है अटेंडेंस में, कि शॉर्ट हो रही है अटेंडेंस, तो उस अटेंडेंस क्या करें, शॉर्ट अटेंडेंस में 1-2 अटेंडेंस अगर पूरी हो जा रही है तो पूरा कर देंगे। इस तरह से आप सजेशंस लिखोगे, ठीक है ना, सजेशंस जरूरी है। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं।
देखो इस पॉइंट को डिस्कस किया था मैंने, रिले वेव, जो रिले वेव है आपका, देखो रिले वेव में क्या होता है, सरफेस पे ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो रिले वेव है वो सरफेस पे ही ज्यादा इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव ऑन सरफेसेस। देखो लिखा हुआ, ट्रेवल विथ ए लिटिल एटेन्यूएशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बट वीकेन रैपिडली एज द वेव पेनिट्रेट बिलो द मटेरियल। मटेरियल जैसे है ये, देखो वर्क मटेरियल है कोई, इसके अंदर कोई वेव नहीं है, तो आपको देखो लाइन दिख रही है, आपको एक लाइन दिख रही है, वर्टिकल दिख रही है, एक अंदर की तरफ थिकनेस के साइड में दिख रही है, तो ये लाइन देखो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे किसी में ऐसा नहीं है कि कहीं पे लाइन एक पास हो जाए, बिल्कुल क्लोज हो जाए। तो जब उस पर क्या करें, इसमें कोई वेव, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेंथ के लॉन्ग अगर कोई वेव में डाल रहा हूँ, वेव का मतलब ये है कि मटेरियल के अंदर साउंड वेव डालना है, या तो उस पर हैमरिंग कर दोगे तो ट्रेवल होने लगेगा। तो यहाँ पर देखो जो वेव की लाइन से क्लोज है, अब देखो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेंथ के लॉन्ग जा रही है, तो इसमें देखो कहीं पे डेंस है, देखो यहाँ पे डेंस है, यहाँ पे रेयर है, तो इसमें प्रोपेगेट हो रहा है, मतलब इसमें ट्रेवल कर रहा है जो हमारा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना, प्राइमरी वेव भी कहते हैं। अब ये देखो दूसरा वेव जो है सरफेस पे, ये देखो क्या हो रहा है कि जिगजैग टाइप का हो रहा है, लैटरली क्या हो रहा है, देखो डिफ्लेक्शन है इसमें इस तरह का, देखो ये क्या है, वर्क पीस के परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर देखो कुछ वेवी फॉर्म में बन रहा है इस तरह से, इसे कहते हैं सीयर वेव, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सीयर वेव है, जिस सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। देखो यहाँ पे रिले वेव है, रिले वेव जस्ट देखो सरफेस पे ही जाएगा, ये जैसे वेव ट्रेवल करता है, अगर मान लो पॉन्ड है, पॉन्ड में अगर एक पत्थर स्टोन फेंक देते हो तो ऊपर ऐसे क्या होती है, उसकी सरफेस वाइब्रेट करती है, ठीक है ना, मतलब क्या है कि जो वेव है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ। इसमें देखो एक चीज मैंने बताया था, ये देखो क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, इसमें एक तरह से सरफेस के जस्ट नीचे क्या होता है, इलिप्टिकल, ये इलिप्टिकल शेप का एक सर्कुलर वेव बनता है इस तरह से, इसमें बना हुआ है, ये लव वेव है, ठीक है ना, लव वेव के बारे में डिस्कस ही नहीं करना है मुझे, ठीक है ना। इस तरह से देखो रिले वेव जो है हमारा, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉलो एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब ये है, पार्टिकल जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करते हैं, सरफेस पे ट्रांसफर होता है, इसलिए रिले वेव तभी जनरेट किया जाता है जब सरफेस डिफेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि रिले वेव जो है हमारे पास, सरफेस वेव जो है इफेक्टिव किसके लिए है, ये इफेक्टिव है सरफेस डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही आप लोगों के पास? हेलो प्रिंस जिंगर, यस सर आ रही है, सर आ रही है सर, अब देखो ये प्लेट वेव है या लैम्प वेव भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो ये हमारा वेव का स्ट्रक्चर बना है, देखो कुछ पोर्शन पे अंदर की तरफ कंप्रेसिव हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, देखो इधर कंप्रेसिव अंदर की तरफ हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, टेंसाइल टाइप का हो रहा है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ये अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा है, और इसके जस्ट नीचे जो वेव है सेम पोजीशन को फॉलो कर रहा है, इधर ये भी क्या कर रहा है, नीचे से कंप्रेस कर रहा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड में, ये सिमेट्रिक है, लिखा हुआ सिमेट्रिक लैंड वेव मोड, ठीक है ना। इस तरह के वेव भी जनरेट किए जाते हैं, ऑब्जर्व्ड इन रिलेटिवली थिन प्लेट्स, थिन प्लेट्स में ही ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल के केस में, इधर कंप्रेस कर रहा है तो इधर डाइवर्ट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, इधर कंप्रेस कर रहा है इधर बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब डायरेक्शन इसमें सेम है, ठीक है ना, इसमें डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखो सिमेट्रिक वेव में क्या है, इस तरह से आपको बनाना होगा, ये देखो क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है नीचे से, ठीक है ना, मिरर इमेज लोगे आप तो नीचे वाला देखो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा ये, बट ये सिमेट्रिक में आता है, जब भी सर्कुलर बनाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में वेव नीचे ऊपर होंगे तो सिमेट्रिक होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ मटेरियल जो होगी वेरी थिन होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी एंड फ्रीक्वेंसी भी उसकी ज्यादा होगी। इक्विपमेंट जो हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जैसे साउंड वेव कैसे क्रिएट करोगे, कोई मटेरियल होगा उसी पे क्रिएट करना होगा,
अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड वेव क्रिएट कर रहा हो कैसे करेगा, तो लिखा हुआ है यहाँ पे इक्विपमेंट्स एंड ट्रांसड्यूसर, वो इक्विपमेंट जो हमें साउंड वेव प्रोड्यूस करके दे, ठीक है ना, वो बता रहा है इसमें, कह रहा है। तो उसमें क्या है, ट्रांसड्यूसर लगा होता है। तो ट्रांसड्यूसर देखो, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, अब मैंने बताया था पीजो इलेक्ट्रिक बिहेवियर जिसके अंदर होता है वो मटेरियल टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्वार्टज होता है, ठीक है ना, और आर्टिफिशियल का भी दो नाम मैंने बताया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने स्लाइड में मेंशन किया था। अब देखो होता क्या है इसमें, जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है वो मेटल कोई पीस होता है, जैसे मेटल पीस है कोई, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है ये, पीजो इलेक्ट्रिक सपोज करो क्वार्टज है, ये क्वार्टज है, ये क्वार्टज है, ये मटेरियल होता है। मटेरियल जो होता है उसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं, क्वार्टर जो होता है, क्वार्टर जो होता है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन होता है, इसमें डिफॉर्मेशन होगा, फिर फोर्स हटा लेंगे, डिफॉर्मेशन क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, रिगेन हो जाएगा। अब देखिए जैसे फोर्स लगा, ये इलेक्ट्रोड है, एक प्लेट इसी मटेरियल के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, नीचे की तरफ निगेटिव, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से वायर के थ्रू वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं, वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं। ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, मतलब मटेरियल जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रोड से वायर निकाल करके वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देंगे। देखो इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस है, कितनी मोटी है। जब फोर्स लगाते हैं तो इस मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन होता है, इससे क्या होता है, डिफॉर्मेशन जब होता है तो इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं नीचे ऊपर, तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, इसका बिहेवियर ऐसा होता है, तो वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो वोल्टेज जब मिलता है तो आपको बिजली मिल जाती है, ठीक है ना, सिग्नल मिल जाता है, एक इस तरह से सिग्नल मिल जाता है। तो सिग्नल मिलता है तो सिग्नल क्या हो, कोई भी सिग्नल क्या होता है, या तो साइनोसॉइडल फॉर्म में होगा या तो कोसाइन फॉर्म में होगा, तो साइनोसॉइडल फॉर्म में इस तरह से वेव मिलेगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफायर लगाकर बड़ा भी कर लेंगे, एम्पलीफायर लगाकर बड़ा भी कर लेंगे, छोटा भी कर लेंगे, तो ये वेव है, क्रिएट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में क्या करते थे, एक्टिव एलिमेंट ऑफ द मोस्ट एक्वास्टिक ट्रांसड्यूसर इज द पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक, सिरेमिक का बना होता है, ठीक है, दिस सिरेमिक इज द हार्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर जो हमारा किसका बना होगा, सिरेमिक का बना होगा, हार्ट है मतलब यहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू एकॉस्टिक एनर्जी, मतलब यहाँ वोल्टेज क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें क्या मिलेगा, साउंड मिलेगा, या साउंड से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है ट्रांसड्यूसर से, और उसमें क्या सिरेमिक मटेरियल होता है, इस सिरेमिक मटेरियल के ऊपर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जब ऊपर से फोर्स अप्लाई किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो इसमें डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन की वजह से वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, वोल्टमीटर लगा होता है, और वोल्टेज क्रिएट होता है इसके मतलब उसमें सिग्नल मिल गया आपका, इस तरह का। देखो एक चीज और भी है यहाँ पे, आगे वाली स्लाइड में बताना है मुझे। अब उसमें करते हैं क्या, देखो यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम मैंने बनाए हैं, अगर पीछे नहीं समझ में आ रहा फिर यहाँ भी समझ में आ जाएगा। ये थिन वाइफर वाइब्रेट विथ अ वेवलेंथ That is the twice its thickness. जो wavelength है आपको मिल रही है, ठीक है ना? Twice its thickness. अगर हमारे पास कोई भी quarter है, उसकी thickness, अगर हमें wavelength जैसे वन चाहिए, तो इसकी thickness half रखेंगे, तो हमें one wavelength की thickness, one wavelength मिलेगा। मतलब जो wavelength चाहिए, उसकी half thickness रखेंगे, किसकी quarter material की, तो आपको जो हमें मिलेगी वेवलेंथ वन की मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखो थिकनेस हाफ रखा हुआ है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का, ठीक है ना, पीजो इलेक्ट्रिक रेड वाला है, ये बैकिंग होता है सपोर्ट के, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगे होते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा होता है और एक इधर लगा होता है इलेक्ट्रोड। देखो लिखा हुआ है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कट टू अ थिकनेस दैट इज हाफ द डिजायर्ड रेडिएटेड वेवलेंथ। तो इस तरह से क्वार्टज मटेरियल की थिकनेस वेवलेंथ की हाफ रखनी होती है, तभी हमें पूरी वेवलेंथ मिलती है। अब देखो ये ज्यादा कुछ जानने की इसमें जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे भी वही डायग्राम सेम बनाया मैंने, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव निगेटिव, उसके साथ वोल्टमीटर अटैच है, ठीक है ना, जैसे फोर्स ऊपर से अप्लाई करते हैं प्रेशर फोर्स,
देखो यहाँ पे एक डायग्राम और बनाया है मैंने, इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाया था कि उसमें नहीं समझ में आता है तो इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका कोई क्रिस्टल है, मतलब क्वार्टज है, ट्रांसड्यूसर मटेरियल है क्वार्टज मान लो। इसके ऊपर इलेक्ट्रोड लगे हुए, मान लो इसके साइड में इलेक्ट्रोड, ऊपर इलेक्ट्रोड पीछे की साइड में इलेक्ट्रोड, वहां से दोनों इलेक्ट्रोड से बाहर निकाल कर वोल्टेज आउटपुट हो गया। इसके ऊपर देखो यहाँ कुछ प्लेट रखी हुई है और इसको क्या किए ये कुछ ये स्प्रिंग मेंबर से क्या किए इसको अटैच कर दिए, ऊपर से कुछ प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, प्रेशर कुछ भी हो सकता है ठीक है ना। तो इसमें डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा क्रिस्टल मटेरियल में, ये जो क्रिस्टल मटेरियल डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, डिफॉर्मेशन शुरू होगा तो वोल्टेज क्रिएट होने लगेगा। ये बेस बनाया हुआ है कुछ यहाँ पे भी इसी तरह का है, क्वार्टज मटेरियल जो है थिकनेस इसकी टी है, ऊपर दो इलेक्ट्रोड, देखो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है इसे क्वार्टज है, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव ये निगेटिव, देखो सरफेस इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है यहाँ पे, वोल्टेज क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप कई डायग्राम बना सकते हैं अलग अलग, इतने ही बताना, ज्यादा जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स से इसमें पूरा का पूरा। अब तो ये हो गया कि उसके इक्विपमेंट इस तरह के बने होते हैं ठीक है ना, क्वार्टज मटेरियल होता है उसके सरफेस, उसके ऊपर के सरफेस नीचे सरफेस पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उसके थ्रू वोल्ट मीटर से अटैच कर देते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं उसी क्वार्टज मटेरियल, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। वोल्टेज सिग्नल फॉर्म में होता है, तो सिग्नल कुछ भी सिग्नल को अगर वीक सिग्नल है तो उसे एम्पलीफायर यूज करके हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस तरह से उस सिग्नल को क्या करेंगे मटेरियल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, मटेरियल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो वेव फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, साउंड फॉर्म में होगा, इससे एकॉस्टिक एनर्जी डेवलप की जाती है, साउंड एनर्जी ठीक है। ट्रांसड्यूसर मटेरियल से पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स एप्लीकेशन ठीक है। जो हमारे पास ट्रांसड्यूसर इक्विपमेंट है वो हम क्या कर रहे हैं क्लासिफाई किए किसके अकॉर्डिंग, उसके कैरेक्टर और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है ठीक है ना। ये देखते हैं, पहला है जो ट्रांसड्यूसर मटेरियल है हमारे पास या ट्रांसड्यूसर इक्विपमेंट मटेरियल जो है उसकी दो तरह की प्रॉपर्टी है एप्लीकेशन की। ये इक्विपमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा मिस्टेक है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इक्विपमेंट जो है क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये इक्विपमेंट है हमारे पास, ये इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट है जो ब्लैक सा दिख रहा है आपको, हैंडल टाइप का, टार्च टाइप का कुछ, ये इक्विपमेंट है, सॉरी फॉर लाइनिंग, रॉन्ग लाइनिंग। कॉन्टैक्ट, देखो कॉन्टैक्ट अगर मटेरियल के साथ पीजो इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंस्पेक्शन, कोई मटेरियल है वर्कपीस, ये वर्कपीस है हमारा, इसके साथ ये वर्क जो ब्लैक वाला दिख रहा है इक्विपमेंट, ये हमारा ट्रांसड्यूसर है, इससे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये एकॉस्टिक एनर्जी को डेवलप करेगा और एकॉस्टिक एनर्जी जो होगा वेव फॉर्म में वो इसमें वर्कपीस में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे देखो ये वर्कपीस है, सपोज करो इसके अंदर देखो ये वेव है ट्रांसफर हो रहा है और ये क्या हो रहा है हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इक्विपमेंट है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखने की जरूरत है, पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट लिखा हुआ है, मतलब ये वाला जो दिया ब्लू कलर का दिया हुआ है ये पीजो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मतलब क्वार्टज है, उसके ऊपर दो इलेक्ट्रोड हैं सरफेस इलेक्ट्रोड, देखो पॉजिटिव, देखो ये दिख रहा है ना डार्क कलर में ब्लू में ये और नीचे ये एरो बनाया हुआ है यहाँ पे, तो पॉजिटिव और निगेटिव दो इलेक्ट्रोड है ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रोड से ऊपर वाले से एक वायर गया है और नीचे वाले से देखो एक वायर ब्लैक सा गया है, इसके साथ यहाँ पे वोल्ट मीटर अटैच है सिग्नल जो है ठीक है ना। अब उसी सिग्नल को क्या कर रहे हैं इसमें वर्कपीस में ट्रांसफर कर दे रहे हैं ठीक है, या तो ये डायरेक्ट इधर ट्रांसफर हो जाएगा या तो इधर से कुछ इक्विपमेंट लगाएंगे तो साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी ठीक है ना। ये नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है साइड में भी हो सकता है, जो साउंड एनर्जी साइड में भी हो सकता है यहाँ पे, और इसमें ट्रांसफर कर दे वर्कपीस में, हमें कॉस्टिक एनर्जी को ट्रांसफर करना है। कॉस्टिक एनर्जी का मीनिंग है कि वेव को ट्रांसफर करना है या सिग्नल को ट्रांसफर करना है, बात एक ही है। और बैकिंग प्लेट होता है सपोर्ट के लिए, और भी चीजें बताई गई, केस वगैरह है, को एक्सियल केबल कनेक्शन है, सिग्नल वायर है, ग्राउंड वायर है, ये सारी चीजें हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि सपोज करो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में ला रहे हो, जैसे ये वर्क पीस है
इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आप ला रहे हो, ये इक्विपमेंट जो हमारा इक्विपमेंट है, ये कोई इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट में बना रहा हूं, ये हमारा वर्क पीस है और इस वर्क पीस के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये ट्रांसड्यूसर जो है जो एकॉस्टिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो बीच में कुछ ही व्हाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, एकॉस्टिक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं इक्विपमेंट के थ्रू वर्क मटेरियल में, तो बीच में एयर गैप होता है, तो एयर गैप होगा तो हमारी साउंड एनर्जी की लॉसेस होगी, प्रॉपर जो सिग्नल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वर्क पीस में जाने के लिए वो जा नहीं पाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लिक्विड या जेल दोनों के बीच में, देखो ये देखो ये कोई लाइन है और ये लाइन है, ये गैप है, बीच में गैप है, ये गैप है, इस गैप के बीच में देखो क्या क्या पुट किया जा सकता है, कपलिंग मटेरियल ऑफ वाटर, वाटर को भी यहाँ पे पुट किया जा सकता है, ग्रीस को भी किया जा सकता है, ऑयल को भी किया जा सकता है, कमर्शियल मटेरियल आर यूज टू स्मूथ द रफनेस एंड प्रिवेंट एन एयर गैप बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड कंपोनेंट इंस्पेक्टेड, जो कंपोनेंट हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके और ट्रांसड्यूसर के बीच में आप ग्रीस भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, जिससे जो एयर है एयर के कॉन्टेक्ट में हमारा एकॉस्टिक एनर्जी या एकॉस्टिक साउंड नहीं आना चाहिए। लिखा हुआ प्रिवेंट एन एयर गैप बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड कंपोनेंट कंपोनेंट इंस्पेक्टेड, जो कंपोनेंट हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं उसके और ट्रांसड्यूसर के बीच में एयर गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत थिन लेयर है, तो वेरी थिन लेयर होता है, बहुत ही थिन लेयर होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ही आता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट आर यूज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इंस्पेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप लिक्विड पोर करोगे तो आप इतनी मोटी थिकनेस हो जाएगी लिक्विड की, ये थिकनेस मिलेगी आप, इतनी नहीं होती। ग्रीस वगैरह जब भी सरफेस पे लगाई जाती है तो बहुत पतली लेयर, वेरी थिन लेयर होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है हमारा, कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हम क्या करेंगे, डिफेक्ट जो वर्कपीस के अंदर है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप का, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीजें यूज किया है, ठीक है ना, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक ए प्रूव करना है कि हमारे पास जो साउंड एनर्जी हो प्रॉपरली उतनी ही साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो वर्कपीस मटेरियल में। दूसरा है इमर्शन, डोंट कॉन्टेक्ट द कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होगा, इक्विपमेंट थोड़ा ऊपर रहेगा, ज्यादा ऊपर रहेगा, वो तो मैंने ग्रीसी कर रहा हूँ, ऑयल लगा रहा हूँ, वाटर की लेयर डिपोजिट किया पहले वाले में डायरेक्ट, बहुत थिन, वेरी थिन लेयर है, यहाँ पे टाइट एयर होता है बिल्कुल, क्या होता है ये बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, इसमें लेयर की जो होती है वो वेरी थिन होती है, चाहे ऑयल की हो, चाहे ग्रीस की हो, चाहे लिक्विड की हो। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट में इस तरह का प्रोजेक्शन डाला जाता है, स्फेरिकल जो होता है फ्लैट जो है इस तरह से, देखो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट इस तरह से, सिलिंड्रिकल रेज इस तरह से सरफेस के ऊपर डाली जाती है, इस तरह से क्या होता है स्फेरिकल फोकस करते हैं, तो यहाँ से जो साउंड एनर्जी वर्क पीस में एक पॉइंट के रूप में अंदर वर्क पीस मटेरियल के अंदर जाता है। तो इसके बारे में केवल इतना ही डायग्राम है, लिखा हुआ है दीज ट्रांसड्यूसर आर डिजाइन टू ऑपरेट इन ए लिक्विड एनवायरमेंट, कोई वर्क पीस है पानी के अंदर है तो उसको चेक करना है, उसको चेक करना है कि कहाँ पे डिफेक्ट है, जैसे सिप वगैरह है, सिप वगैरह में क्या है नीचे की तरफ कहीं डिफेक्ट है उसे चेक करना है, और वहां पे क्या है कि पानी की थिकनेस ज्यादा है तो क्या होगा, वहां पे इस तरह का इमर्शन टाइप का ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे उसको चेक करने के लिए डिफेक्ट्स कहाँ है। ऑल कनेक्शन आर वाटर टाइट, ठीक है ना, इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, और ऐसा नहीं होगा जो वाटर होगा ये फ्लो ही हो रहा है, बीच में फ्लो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, बीच में जो वाटर होगा या कोई ग्रीसी ऑयल होगा या फ्लूड होगा कोई भी। तो इस तरह से क्या करते हैं, दूसरा है इमर्शन टाइप का जो ट्रांसड्यूसर होता है उसे भी यूज करते हैं, जिससे क्या होता है वर्क पीस ट्रांसड्यूसर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। ड्यूअल एलिमेंट ये इंपॉर्टेंट है,
इसमें क्या होता है कि कोई वर्क पीस है, ये हमारे पास वर्क पीस है, इसको मेजर करना है इसके डिफेक्ट्स को या डेप्थ को, जो डायमेंशन है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रांसमीटर होता है जो क्या होता है साउंड एनर्जी को वर्क पीस के अंदर ट्रांसमिट करता है, और दूसरा जब रिटर्न होता है ये साउंड, तो उसी में एक क्या होता है रिसीवर लगा होता है, तो रेज जा रही है और रेज को रिसीव करती है, ठीक है ना। तो लिखा है दैट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग एलिमेंट इन सिंगल हाउस, ठीक है ना, ये सिंगल घर है, ठीक है, इसमें बट ट्रांसमिशन अलग तरह ट्रांसमिशन पहली साइड से करेंगे और रिसीवर दूसरी साइड से लेंगे, रिसीव करेंगे। हाउस तो केज तो एक ही बनाया है, केज एक ही बनाया है, बट रेज जा रही वर्कपीस के अंदर, इसी में ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन लगा हुआ है, ट्रांसमिट कर रहा है रेज को, और साथ में एक रिसीवर लगा हुआ है जो उसको साउंड को रिसीव कर रहा है। अब देखो साउंड जो जा रही है वर्कपीस के अंदर, यहाँ मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम ले रही है, और फिर जा रही है फिर टी टाइम लेगी, मान लो कोई डिफेक्ट नहीं है तो टू टी हो जाएगा। अगर जाने में और यहाँ तक आने में, मतलब रिसीव होने में, ये रिसीवर बहुत क्लोज होता है, इसके पास ही होता है, ठीक है ना, थोड़ा दूर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की हाइट जो है जाने की यहाँ से यहाँ तक की सरफेस तक और यहाँ से यहाँ तक की सरफेस तक सेम होनी चाहिए हाइट, है स्केल देखो बनाया हुआ है बैरोमीटर। तो एक ही घर में क्या होते हैं, ट्रांसमीटर भी लगे होते हैं और रिसीवर भी लगे होते हैं, तो सिंगल हाउसिंग में लगे होते हैं। वन ऑफ द एलिमेंट ट्रांसमिट एंड द अदर इज रिसीव्स, तो एक ट्रांसमिट कर रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है। ड्यूअल एलिमेंट ट्रांसड्यूसर आर वेरी यूजफुल व्हेन द मेकिंग थिकनेस, थिकनेस को मेजर करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एंड व्हेन द इंस्पेक्टेड नियर द सरफेस डिफेक्ट, सरफेस पे डिफेक्ट है तो ये वाला मतलब ड्यूअल एलिमेंट ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे सरफेस डिफेक्ट को मेजर करने के लिए, सरफेस डिफेक्ट्स को मेजर करने के लिए ड्यूअल ट्रांसमीटर यूज करेंगे, सॉरी ड्यूअल ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे, सॉरी फॉर दैट। हाँ हेलो अभिलाष पाठक, अभिलाष भरत, अभिलाष क्या सर, क्या समझ में आया कुछ? सर मेरी आवाज आप तक जान नहीं पा सर, मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारी आवाज मेरे पास आ रही है दीपक? यस सर। हाँ कुछ समझ में आया क्या कहा मैं? ड्यूअल एलिमेंट क्या होता है, ड्यूअल एलिमेंट ट्रांसड्यूसर पढ़ के तो बता दो, ये भी नहीं चल रहा तुम्हारे पास स्लाइड भी, कुछ सुना है इसमें क्या होता है? एक ट्रांसमीटर लगा होता है, दूसरा रिसीवर लगा होता है। बताओ दीपक, क्या खाना खा रहे थे क्या आप? लंच करते हैं। अंशुल हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ सर, इसके अंदर टू इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसमिटिंग क्रिस्टल और एक होता है रिकवरी रिसीविंग क्रिस्टल। मेजर करना है तो कौन सी डायमेंशन मेजर करोगे इसमें? जी सर, कौन सी डायमेंशन मेजर करोगे? थिकनेस मेजरमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, थिकनेस मेजरमेंट किया जाता है। ये थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए होता है ऑफ मटेरियल्स, और एक चीज और लिखा हुआ है नियर सरफेस डिफेक्ट्स, सरफेस के पास कहीं डिफेक्ट है, जैसे यहाँ पे फ्लॉज वगैरह है, इस तरह के कोई डिफेक्ट्स है, इस तरह के कोई डिफेक्ट्स है। सोते रहते तुम लोग? एंगल बीम इम्पोर्टेंट है, दूसरा है एंगल बीम टाइप का ट्रांसड्यूसर जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और एप्लीकेशन कैसे है। एंड वेजेज आर टिपिकली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए रिफ्रेक्टेड सीयर वेव, सीयर वेव तभी प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास साउंड वेव कुछ एंगल पे वर्क पीस पे गिरेगा, जैसे एंगल मान लो थीटा है, जैसे थीटा आर लिखा हुआ है यार,
ठीक है ना, तो ये कुछ एंगल पे गिर रही है और ये एंगल 0 डिग्री से लेकर के आपकी 90 डिग्री तक हो सकती है. 90 डिग्री जैसे होगा ये परपेंडिकुलर रेज आने लगेगा, तो वर्क पीस पे परपेंडिकुलर रेज डालनी है आपको ट्रांसड्यूसर से, तो ये थीटा की वैल्यू जो है आपको 90 रखनी होगी. अब एंगल पे कुछ डाली जाती है तो उस वर्क पीस मटेरियल के अंदर सियर वेव डेवलप हो जाते हैं. साउंड के वेव के टाइप है, रिले वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सियर वेव है, ठीक है ना. इस तरह से आपको जब भी सियर वेव का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके जो डेप्थ जो भी हमारे पास फ्लॉज है, इंटरनल फ्लॉज जो भी है, डिफेक्ट्स अंदर है, उनकी हाइट मेजर कर लेते हैं कि कितना डिफेक्ट है अंदर. क्रैक मान लो यहाँ पे क्रैक है, इतना पोर्शन पे क्रैक है, ये क्रैक जो है इसको मेजर कर लेंगे, इसकी थिकनेस मेजर कर लेंगे कितनी थिकनेस है क्रैक की. लिखा हुआ एंड वेजेज आर टिपिकली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए रिफ्रेक्टेड सियर वेव जा रहा है, सियर वेव रिफ्रेक्टेड, ठीक है ना. इस पॉइंट से रिफ्रेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट से देखो इस साइड में रिफ्रेक्ट हो रहा है वेव इनटू ए टेस्ट पीस मटेरियल, ये वर्क पीस के अंदर जा रहा है. इस तरह के ट्रांसड्यूसर अलग अलग भी एंगल पे खरीद लेते हैं, या तो एक ही इक्विपमेंट खरीद लेंगे उसमें ए एंगल को एडजस्ट कर लेते हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल आते हैं. ट्रांसड्यूसर कैन बी परचेज्ड इन द वैरायटी ऑफ फिक्स्ड एंगल, देखो डिफरेंट टाइप के फिक्स एंगल की वैरायटी भी खरीद सकते हैं, और इन एडजस्टेबल वर्जन, एडजस्टेबल वर्जन का भी इक्विपमेंट खरीद सकते हैं. वेयर द इसमें मैथमेटिकल पार्टी है या खाली थ्योरेटिकल ही है, यहां इसमें कुछ इसमें न्यूमेरिकल नहीं, केवल डेरिवेशन थोड़ी, केवल थ्योरेटिकल है. ठीक है सर. हाँ, केवल थ्योरेटिकल. आपको डायग्राम बनाने हैं और लिखने, जिसको जितना ज्यादा आ जाएगा उसको उतने नंबर मिलेंगे, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी इसमें और डायग्राम वगैरह अच्छा बनाएगा वो. ये पूरा थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है. ट्रांसड्यूसर कैन बी लिमिट आने लग गई है. हाँ बेटा बताओ, बोलो. हाँ तो वेयर लिमिट आ रही, क्या बेटा आवाज नहीं पहुंच रही है? हाँ हेलो, अभिलाष पाठक, अभिलाष हर्ष शर्मा, हर्ष. हाँ सर. बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो. सर रोज आ रहा हूँ. कहाँ चले जाते हो आते हो तो? सर वापिस डिसकनेक्ट हो रहा है बीच में सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है भी गांव वाले एरिया में, कोई पता नहीं नेटवर्क इश्यू आ रहा है तो वापिस डिसकनेक्ट हो जाता है. कोई बोल रहा था, पता नहीं कौन सा बंदा था, नेटवर्क की दिक्कत आ रही तो मैं रुक गया हूं. लिमिट आने लग गई वो ऐप पे मीटिंग की. हां एक मिनट और है, इसके बाद फिर ज्वाइन हो गए आप लोग, ठीक है ना. तो कुछ समझ में आ रहा है तुमको कि नहीं आ रहा है? तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं शर्मा जी? सर आ रहा है सब. क्या समझ में आया? एंगल बीम क्या है मैंने बताया, जरा बताओ तो मुझे बताओ. एंगल बीम ओपन भी है स्लाइड सर. कोई भी अपन जैसे डिफेक्ट चेक करने के लिए सर एंगल बीम, ये चीज एक फिक्स होता है, मतलब इस फिक्स एंगल पे अपना जो. मुझे ये बताओ एंगल बीम क्यों नाम है इसका, इसका नाम एंगल बीम क्यों रखा है मैंने, रेड कलर से शो किया है देखो यहाँ पे डायग्राम में. एंगल बीम इसलिए नाम दिया.